गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हो चुका है और जैसे ही विद्यालय में बच्चे आएंगे, अभी तो कोविड-19 की वजह से विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे, केवल हम शिक्षकों को ही आना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो इस बार बहुत कुछ बदला हुआ होगा, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होंगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस बार हमें कक्षा में जो शिक्षण कराना है वो लेसन प्लान के अनुसार नहीं कराना है, वो शिक्षण योजना के अनुसार करना है। आप सभी जानते हैं लेसन प्लान और शिक्षण योजना में थोड़ा सा अंतर है। लेसन प्लान में तो पूरे पाठ की एक ही योजना हम बनाते थे, लेकिन शिक्षक योजना में एक पाठ की बहुत सारी शिक्षण योजनाएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये लर्निंग आउटकम पर आधारित होता है। एक पाठ में एक से ज़्यादा भी लर्निंग आउटकम होते हैं, तो जितने ज़्यादा लर्निंग आउटकम होंगे उतनी ही हमको शिक्षण योजना बनानी होगी। तो इसी क्रम में मैंने कक्षा 6 विषय गणित प्रकरण है बीज गणितीय अवधारणा, इसकी एक शिक्षण योजना बनाई है और ये मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। इन वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ मैंने एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस पर भी मैं इनको पोस्ट करता हूँ। अगर आप उस WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप मेरे WhatsApp नंबर 9897668080 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक को ओपन करके WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण योजना में दिनांक, कक्षा 6, विषय गणित और समय हुआ 40 मिनट। तो इसके जो हमारे लर्निंग आउटकम हैं उसमें दो लर्निंग आउटकम मैंने लिए हैं कि विद्यार्थी संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं और संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संक्रियाएं का ज्ञान रखते हैं। इसका प्रकरण है बीज गणितीय अवधारणा, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चौक, ब्लैकबोर्ड और कुछ चार्ट पेपर, उन पर बने हुए कुछ चित्र, तो ये सब इसकी हमारी सीखने सिखाने की सामग्री है। नंबर 4 होता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में यहाँ पर 5 मिनट होगा और आकलन के तरीके में प्रश्न उत्तर बातचीत, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना। अगर आपको इसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की शुरुआत में यह 5 मिनट का समय रहेगा। सबसे पहले बच्चों को एक चार्ट पेपर दिखाएंगे। इसमें चार्ट पेपर में 4 टोकरियाँ बनी हुई हैं। एक टोकरी में कुछ सेव रखे हैं, फिर दूसरी चित्र नंबर 1 में जो टोकरी है यहाँ पर 2 सेव रखे हैं, और चित्र नंबर 2 है इसमें 3 सेव रखे हैं, और चित्र नंबर 3 में 5 सेव हैं, और चित्र नंबर 4 में बहुत सारे सेव हैं, पता नहीं कितने हैं। तो ये चित्र हम बच्चों को दिखाते हुए पूछेंगे कि चित्र नंबर 1 में कितने सेव हैं, तो बच्चे आसानी से चार्ट पेपर को देखकर बता देंगे कि 2 सेव हैं। फिर ऐसे ही हम पूछेंगे चित्र नंबर 2 में जो टोकरी है उसमें कितने सेव हैं, तो बच्चे देखकर बता देंगे कि चित्र नंबर 2 की टोकरी में 3 सेव हैं। ऐसे ही फिर चित्र नंबर 3 में पूछेंगे हम कि जो चित्र नंबर 3 की टोकरी बनी हुई है इसमें कितने सेव हैं, तो आसानी से बच्चे बता देंगे कि इसमें तो 5 सेव हैं। अब हम चित्र नंबर 4 की टोकरी में पूछेंगे कि इसमें कितने सेव हैं, तो इस प्रश्न पर बच्चे थोड़ा चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें कितने सेव हैं, क्योंकि इसमें जो सेव दिखाई दे रहे हैं इनको गिनना कठिन है। तो यहाँ पर शिक्षक को बच्चों के साथ सहभागिता निभाते हुए कहना है कि चलो गिनने में तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस टोकरी में कुछ सेब हैं,
ऐसा हम कहेंगे कि इस टोकरी में कुछ सेब हैं, पता नहीं कितने हैं लेकिन कुछ सेब हैं। इसके बाद ऐसे ही एक और चार्ट पेपर दिखाएंगे, इसमें तीन वर्ग बने हुए हैं, दो वर्ग में तो इनकी साइड लिखी हुई है, एक वर्ग में 2 सेंटीमीटर की साइड है और दूसरे वाले में 4 सेंटीमीटर की साइड बनी हुई है, और जो तीसरा वर्ग है LMNO इसमें लिखा हुआ नहीं है कि इसमें साइड कितनी बड़ी है इसकी। तो इस तरह से हम पूछेंगे कि वर्ग ABCD की जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी है, तो बच्चे देखकर बता देंगे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से पूछेंगे कि जो वर्ग EFGH है इसमें कितनी साइड है इसकी, तो बच्चे बता देंगे कि 4 सेंटीमीटर की साइड है इसकी। ऐसे ही पूछेंगे फिर दोबारा कि जो वर्ग LNO है इसकी साइड कितनी है, तो बच्चे यहाँ भी चुप हो जाएंगे। तो क्योंकि इसमें लिखी हुई नहीं है तो बच्चे तो चुप होंगे ही। तो यहाँ पर शिक्षक कहेंगे कि वर्ग LMNO की भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं है, इसको हम कुछ सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना शिक्षण प्रारंभ करेंगे, कुछ सेंटीमीटर मान सकते हैं ये कहकर अपना शिक्षण आरंभ करेंगे। अब शिक्षण के दौरान पहले 15 मिनट, ये 25 मिनट का टाइम है, इसमें आकलन का जो तरीका होगा वो सहभागिता होगा। हम बोर्ड पर एक प्रश्न लिखेंगे, राम के पास 45 रुपये थे, उसे अपनी बहन शीला से कुछ रुपये मिल गए, अब राम के पास कुल कितने रुपये हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम एक एक बच्चे को बोर्ड पर बुलाएंगे और उससे लिखने को कहेंगे कि राम के पास कितने रुपए हैं, 45, शीला ने कितने दिए, कुछ, तो यहाँ पर कुछ लिख देंगे। ऐसे ही फिर कुल रुपए कितने हो गए, 45 जमा कुछ, इस तरह से बच्चों से लिखवाएंगे। इसी तरह से इस क्रम को हमें बार बार दोहराना है, बार बार बच्चों से लिखवाएंगे कि राम के पास कुल रुपए कितने हैं, 45, शीला ने कितने दिए, कुछ, कुल रुपए कितने हो गए, 45 प्लस कुछ। तो इसको आप बार बार बच्चों से लिखवाएंगे, बच्चे बारी बारी से ब्लैक बोर्ड पर आएंगे, सभी बच्चों को बुलाएं आप, बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे जब वो आकर लिखेंगे कि भाई राम के पास कुल रुपए कितने थे, पहले 45, शीला ने कितने दिए, कुछ, और कुल रुपए हो गए, 45 प्लस कुछ। तो इस क्रम को हमें बार बार दोहराएं, 6-7 बार दोहराना है। इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि जो बार बार जो कुछ लिखना पड़ रहा है, कुछ की जगह आप इसको एक्स मान लो। बच्चों से कहेंगे कि भाई ये जो बार बार हमें कुछ लिखना पड़ रहा है ना, कुछ की जगह हम एक्स मान लेते हैं, कि तो कुल रुपए हो जाएंगे 45 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि राम के पास रुपए 45, शीला ने दिए, कुछ की जगह लिख देंगे इस बार हम एक्स, तो कुल रुपए कितने हो गए, 45 प्लस एक्स। तो यहाँ पर शिक्षक स्पष्ट करते हुए कहेंगे कि हमने देखा कि गणित में अभी तक संख्याओं को संख्या संकेतों से, जैसे 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 आदि से निरूपित करते हैं। हमें ऐसी संख्याओं की भी बात करनी होती है जो ज्ञात नहीं होती किंतु ज्ञात की जा सकती हैं। ऐसी संख्याओं के लिए अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है, कुल रुपए कितने हो गए, 45 प्लस एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, पहले उनसे बार बार लिखवाएंगे 45 प्लस कुछ, 45 प्लस कुछ, 45 प्लस कुछ, बार बार लिखवाएंगे, फिर उनको आखिर में कहेंगे कि ऐसा करो, ये जो कुछ को बार बार लिखना पड़ रहा है इसकी जगह केवल आप एक्स लिख दो। तो इस तरह से हम उनको बीजगणित के अंदर प्रवेश करा देंगे। आगे चलते हैं, फिर इसमें क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास कार्य हैं वो बच्चों को छोटे समूह में करने को देंगे। इसी तरह के प्रश्न लिख देंगे बोर्ड पर, वो बच्चों को करने के लिए देंगे। अब जो अंतिम 10 मिनट है शिक्षण की, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह के बच्चों को सामने इस तरह के प्रश्न लिखेंगे, 5 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 यानी कि 9, तथा इसी तरह से x तथा 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, x और y को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस y, a b तथा c को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, a जमा b जमा c। फिर इसी तरह से जो अंतर की संक्रिया है उस पर कराएंगे, 10 में से 3 घटाने पर क्या होगा, 10 नफी 3, x में से 5 घटाने पर क्या हो जाएगा, x नफी 5,
पाँच में से एक्स घटाने पर क्या हो जाएगा, पाँच नफी एक्स, एक्स में से वाई घटाने पर क्या हो जाएगा, एक्स नफी वाई, एक्स में से शून्य घटाने पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो। फिर ऐसे ही गुणा ही कराएंगे। गुणा संक्रिया बार बार जोड़ने की संक्रिया के समान है, बच्चों को बताएंगे। यदि हम दो को बार बार जोड़ेंगे चार बार तो क्या हो जाएगा, चार गुना दो यानी चार दूनी आठ। इसी तरह से हम x को हम यदि चार बार जोड़ें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये चार गुना एक्स। इसी तरह से a को तीन बार लिखेंगे, a जमा a जमा a, तीन बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीन गुना a यानी कि तीन a। इसी तरह से कराएंगे बच्चों को। फिर भाग की संक्रिया कराएंगे। 20 को जब 5 से विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा, 20 भाग 5 यानी कि 20 बटे 5। और a को b से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा, a भाग b यानी कि a बटे b। इस तरह से बच्चों को बताना है। फिर इसके बाद हम उनसे एक सवाल बोर्ड पर लिखेंगे और पूछेंगे कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे बताएंगे x जमा 10, वो करके दिखाएंगे। और इसी तरह के कुछ हल्के सवाल बच्चों को करने के लिए भी देंगे। और शिक्षण के बाद में यहाँ पर 10 मिनट का समय होगा। पहले 5 मिनट में हम चार समूह बना लेंगे, पांच समूह बना लेंगे, ज़्यादा बच्चे हैं तो पाठ्य पुस्तक में लिखे प्रश्नों को बच्चों को हल करने के लिए देंगे। छोटे छोटे प्रश्न हल्के हल्के से वो बच्चों को करने के लिए देंगे। और जो बाद के 5 मिनट होंगे वो गृह कार्य के लिए होंगे। गृह कार्य में बच्चों को हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न घर से करके आने को कहेंगे। ज़्यादा काम नहीं देना है, बस ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को दो सवाल दें, आप दो प्रश्न दे सकते हैं। फिर अगला स्टेप और अंतिम स्टेप है शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर हम इकाई को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके 40 मिनट की या 35 मिनट की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ ये लेसन प्लान आपको पसंद आएगा। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं इस पर। अगर आपको ये पसंद है तो इसे आप अपने अन्य साथियों में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे YouTube चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य यूजफुल वीडियो मिलती रहें। सभी साथियों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।